कुछ दिन ही बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, 20 अक्टूबर को मतदान होने हैं। ऐसे में अगर बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो मुंबई की वर्सोवा विधानसभा में लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद है महायुति की उम्मीदवार डॉक्टर भारती लवेकर, उनसे जानते हैं ताई प्रचार प्रसार में अब कहें कुछ घंटे कुछ दिन ही बचे हैं, किस तरह से चल रहा है? बहुत जोर से चल रहा है और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। हमने बहुत सारा काम किया है उसके लिए भी आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे नेता मोदी जी उन्होंने काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो सारे काम के लिए आशीर्वाद मिल रहा है और हमारा विजय निश्चित है। इस बार घोषणा पत्र में क्या कुछ मुद्दे रखे गए हैं भारती ताई लवेकर के? वर्सोवा के लिए कह रहे हो तो हमने बहुत सारे काम तो कर दिए हैं, जो काम बाकी है हमें पूरे करने हैं। जैसे जोगेश्वरी स्टेशन पे एस्केलेटर मंजूर करवा लिया है, खाली लगवा के लेना है। इसके अलावा JVLR का जो मुद्दा है वो आधा काम हो चुका है लेकिन आधा बाकी है, वो भी करके लेना है। सब जगह CCTV कैमरे लगवा देने हैं, LED लाइट्स लगवा देने हैं और एक ब्रिज का काम है वो पूरा करवा देना है। जिस तरह से घोषणा पत्र की बात करें, BJP के घोषणा पत्र और शिवसेना ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया है, क्या घोषणा पत्र के थ्रू लोग जो है BJP से जुड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिव संग्राम, रासप और राष्ट्रीय हमारी जो रिपब्लिकन पार्टी है, इस संगठन से जो महायुति की उम्मीदवार करके मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो हम सब का घोषणा पत्र जो भी होगा, हम सब काम करने वाले लोग हैं। जो भी घोषणा पत्र में होगा उसका अमल ज़रूर होगा, क्योंकि लोगों ने देखा है, मोदी जी का काम देखा है, देवेंद्र जी का काम देखा है, इसलिए लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। जिस तरह के से अगर बात करें वर्सोवा विधानसभा में कांग्रेस से बलदेव खोसा हैं और शिवसेना की नगर से क्या जो अपक्ष उम्मीदवार हैं, क्या इसका लड़ाई त्रिकोणी लड़ाई है? मुझे नहीं लगता कुछ त्रिकोणी वगैरह है, हमारे सामने कोई है ऐसा हमें नहीं लगता है, क्योंकि एक तो बागी उम्मीदवार है और दूसरे जो है उन्होंने कभी काम ही नहीं किया है। मेरे पहले 5 साल पहले वो 15 साल थे, तो तब कभी काम नहीं किया, तो अभी आगे जाके क्या काम करेंगे, लोगों ने उनके ऊपर कोई विश्वास रखेंगे ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि 5 साल में भी मैंने कभी उनको देखा नहीं। वोट बटेंगे क्योंकि शिवसेना से वो नगर सेविका हैं और अपक्ष से उम्मीदवार हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुति की मैं उम्मीदवार हूँ, अधिकृत उम्मीदवार हूँ। कल उन्होंने शिवसेना प्रमुख जो है उद्धव जी ठाकरे, जिनका मैं बहुत आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, उन्होंने कल बहुत सारे बागी उम्मीदवारों के ऊपर कार्रवाई की है। मैं इंतजार कर रही हूँ वर्सोवा विधानसभा में भी कब कार्रवाई हो जाएगी। ताई, जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार महिलाओं के लिए, लगातार जब आप विधायक हैं 5 साल में आपने कई काम किए हैं, इस बार जब अगर जनता आपको चुन कर देती है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ प्राथमिकता पहले होगी? आपको तो पता है कि मैं महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती हूँ, इसके लिए मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। तो सैनिटरी पैड बैंक का मेरा बड़ा काम है, वो डॉक्टर्स ऑफ वर्सोवा करके मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी काम करती हूँ, और हमारी महिला मतलब घर की लक्ष्मी है, अगर घर की लक्ष्मी सुखी होती है तो पूरा घर सुखी होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर की लक्ष्मी को सुखी रखो, और उनके लिए तो मैं हमेशा लड़ती हूँ और उनके लिए हमेशा लड़ूंगी। कई बार ऐसा भी कहा गया है, अगर वर्सोवा विधानसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ समस्या ट्रैफिक की है, उसके लिए क्या प्लान है? मैंने अभी आपको बताया ना कि जो ट्रैफिक की समस्या है, इसके लिए जो हो रहा है Metro 6 यहाँ पे काम चालू है, वर्सोवा बैंड्रा सीलिंग का काम जल्दी शुरू होने वाला है, मड वर्सोवा कनेक्टिविटी का वर्क ऑर्डर निकल चुका है, और यहाँ पे जो 3 ब्रिज है और बाकी उसमें से SVP नगर से अमरनाथ टावर वाला जो ब्रिज है उसकी भी वर्क ऑर्डर निकल चुकी है, खाली वहाँ पे 75 जो ट्रीज है उनका कुछ शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे जो JVLR का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो मैंने अगले 5 साल की नहीं, जल्दी ही मैं उसका काम करवा दूँगी। बिल्कुल काम करवाएंगी, साथ ही जिस तरह से बात करें तो अब प्रचार प्रसार में कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में लगातार प्रचार प्रसार अपने चरम पर है और जो उम्मीदवार हैं वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में महायुति की उम्मीदवार डॉक्टर भारती लवेकर का दावा है कि 5 साल में जो मैंने काम किया है वही मुद्दा लेकर मैं लोगों के बीच जा रही हूँ और लोगों का प्रतिसाद लगातार उनको मिल रहा है। कैमरामैन सदानंद सेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन24 न्यूज, मुंबई।